ये मेरे हिसाब से अभी तक के सारे सीजन्स में से नॉट बिकॉज शिल्पा है, बट मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग सीज़न रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सारे सीज़न में से, काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेड्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो अब मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीज़न अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीजन? ये सीजन तो देख रहे हैं आप, देखा जाए तो हाँ अच्छा लगा, मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। आपको बिग बॉस पर्सनली कितना अच्छा लगता है देखा जाए तो, और कितना देखते थे इसके पहले और अब भी? काफ़ी मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के 2 सीज़न छोड़ के काफ़ी सीज़न मैंने पूरी बहुत रिगरसली फॉलो किया है। बहुत अच्छा लगता था एक शो देखना, एक रियलिटी साइड, जो हम रियलिटी शो देखते हैं कि जो अपने अपने आर्टिस्ट रहते हैं, फैंस रहते हैं, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट है, उनकी रियल साइड देखना तो बहुत अच्छा लगता है। और उनको इतना करीब से देखने को मिलता है, इतने लंबे अरसे तक उनके साथ, एज इफ हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, तो एक अलग बात है उस शो की, तो बहुत मज़ा आता है उस शो देखने। जब बिग बॉस से कॉल आया शिल्पा को देखा, तो घर वालों के रिएक्शंस क्या थे, आप लोग के रिएक्शंस क्या थे और उनके क्या रिएक्शन थे? उनके मतलब उसने बोला उन्होंने कि ऐसा ऐसा बिग बॉस से मेरे को फ़ोन आया है, तो मैं बोली देख अभी क्या करना है, हमें तो शो के बारे में कुछ मालूम नहीं, मतलब कभी देखा है लेकिन वो उसको क्या है क्या नहीं वो तेरे को ज़्यादा मालूम है, तू सोच समझ के जो करना है वो तू सोच समझ के कर ले, इतना ही हमने कहा था। फिर बाकी उसको 2-3 बार फोन आए, पहले उसने ना बोला फिर उसने हाँ कर दिया। आपका क्या सोचता है देखा जाए तो, क्योंकि आप तो बिग बॉस फॉलो भी कर रहे थे इसके पहले भी देखा जाए तो? जी, शिल्पा ने जब बताया था तो काफ़ी थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि उसको शायद ऑफ़र आएगा, और उसने जब जैसे बताया मुझे कि मुझे ऑफ़र आया हुआ है, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी, वो सोच रही थी कि क्या करूँ, थोड़ी 2 माइंड्स में थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन उसने अपनी मन की आवाज़ सुनी और देन शी वेंट फॉर इट, उसने एक्सेप्ट कर लिया था बिग बॉस में तो देखा जाए तो फिर सभी ने शिल्पा को जान लिया, आपके हिसाब से शिल्पा किस तरह की है? वो इस तरह की मतलब एक माँ के लिए बेटी किस तरह की देखा जाए हाँ तो जान मतलब लिया। वो बहुत अच्छा निभा रही है उधर का रोल, सब कर रही है, सबके साथ मिलजुल के रही है, और उसके साथ कोई रहे ना रहे लेकिन वो सबके साथ मिलजुल के रही है, खाना बनाना वगैरह ये तो उसका रोज का घर का भी काम है, यानी कोई अलग कर रही है वो कुछ शो में अलग करती है ये नहीं दिख रहा है, जैसे घर में रहती थी वैसे ही वो रह रही है। जी, डेफिनेटली मैं सेकंड करूंगा इस बात को कि शिल्पा जिस तरह से घर पे हमें दिखती है उसी तरह से रही है। सारे घर के काम करना, आई मीन घर का काम ये एक ही पैरामीटर नहीं होता डेफिनेटली, बट उसका एक वो स्ट्रांग पॉइंट रहा है कि उसने अपने घर को, इवन बिग बॉस के घर को भी अपने घर की तरह संभाला है, और वही शेड्स हमें उसको, हमें उसकी उस घर में दिखी है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने भाई बहन में काफी नोकझोंक होती रहती है देखा जाए तो, फिर आप लोग के बीच में कितना होता था इन बचपन बचपन में ज्यादा होती है देखा जाए तो, फिर कोई अपने दिल शेयर नोकझोंक कर सकता है हमसे? नोकझोंक बहुत होती थी वैसे। सिंस हम लोग के बीच में एज गैप कम है, इसके लिए अकेडमिकली भी हम लोग काफ़ी अरसे तक स्कूल में भी साथ में, हमारा स्कूलिंग रहा है, तो बहुत शरारती थे दोनों, मेरे से ज़्यादा शिल्पा ज़्यादा शरारती थी स्कूल में, और हम बहुत मस्ती करते थे घर पे, इवन स्कूल से जब घर पे भी लौटते थे तो बहुत कभी एक एक टाइम से घर पे नहीं लौटे, हमेशा रास्ते में कुछ ना कुछ टाइम पास करते आना, और जैसे कि रास्ते पे वो नॉर्मली वो खेल चलते हैं तो वो देखते आना, और हमेशा लेट करते थे, माँ से हमेशा डांट खाते थे, तो मस्ती बहुत करी है। बड़े होकर भी आज भी हम लोग अगर बाहर कभी जाते हैं तो बहुत टाइम पास करते हैं, काम के वजह से आज आज ये टाइम इतना जाना होता नहीं है, बट बहुत इन्जॉय करते हैं। कभी डांट पड़ी है बड़ी बहन है देखा जाए तो फिर? डांट तो बहुत पड़ी है, बड़ी बहन है तो डांटेंगे ज़रूर, जितना पैम्पर करती है उतना वो स्ट्रिक्ट भी रहती है, और कई ऐसे मौके हैं जब भी उसने कसर नहीं छोड़ी मुझे डांटने की, बट मेरे बेनिफिट के लिए ही डांटा है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इन्होंने बोला कि काफी शरारती थे दोनों बच्चे, तो कभी प्रॉब्लम्स हुए इन स्कूल्स देखा जाए तो, मतलब जो प्रॉब्लम्स कंप्लेंट्स आई हो? मतलब
मैं उनको जब स्कूल में लेने के लिए जाती थी, वो आते थे सिर्फ रास्ता क्रॉस करने के लिए, मैं हाईवे पर जाती थी, लेकिन मेरे को इतना वेट करना पड़ता था। हक के स्कूल के लड़के चले जाते थे, फिर ये दोनों कहीं दिखाई नहीं देते थे। सबके बाद में देखो तो ये दोनों अपने हंसते डुलते आते हैं, शिल्पा और ये, और पूछे उनको क्या कर रहे थे, नहीं वो देवी बैठी है ना मंदिर में देखने गए थे, आज क्या उधर खेल देख रहे थे। मतलब बहुत शरारती थे, घर में आके भी वैसा ही करते थे। शिल्पा ने तो कभी पढ़ाई की नहीं घर में, कभी कभी किताब खोल के नहीं देखा। आखे साल की वो पढ़ाई ये एग्जाम के दो दिन पहले करती थी। नहीं काफ़ी मैं बोला ना काफ़ी एक एक वो एक एज गैप जो कम है उसके वजह से काफ़ी हद तक हम लोग ने एकेडमिकली साथ में रहे, तो बहुत एंजॉय किया हमारा स्कूल लाइफ और बचपन टीनेजर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने एंजॉय किया। इंडिया में देखा जाए तो लड़कियों को नीचा देखा जाता है, कहाँ इंडिया में देखा जाए तो आपको क्या फील होता है जब आपको बोला जाता है कि आप शिल्पा की मॉम हैं, आप शिल्पा के ब्रदर हैं, क्या फीलिंग्स क्या आती है? नहीं मेरे को, मैं बेटियों को कभी नीचे नहीं दिखाया। हमारे घर में शिल्पा पर ज़्यादा प्यार भी उसके पापा करते थे। मेरे को तीन लड़की है लेकिन मैंने कभी बेटियों को नीचे नहीं देखा और बच्चों को ऊपर नहीं, दोनों को सरीका किया। क्या बोलना चाहेंगे आप जो करते हैं? मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी, बेटी को कभी कम मत देखना, कभी को वो बेटे से भी ऊंचा रहती है, तो इसीलिए कोई बेटा और बेटी उसमें फ़र्क मत करना, कभी नहीं करना। बेटा बेटी जैसा कंसेप्ट ही नहीं रहा, आई गेस सिर्फ एक जेंडर डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब इक्वल है। तो वही सब लोग अगर उस चीज़ को समझ के चले तो आई गेस बहुत अच्छी तरक्की होगी। हमारे बिग बॉस में देखा जाए तो फिर शिल्पा के खाने की काफ़ी चर्चा हुई है, उनका फेवरेट डिश क्या है जो आप लोग को पसंद देखा जाए तो, जो आपको पर्सनली पसंद है आप लोग दोनों को, एक डिश जो आप बता सकते? नहीं ऐसी कोई सी डिश नहीं कि वो पर्टिकुलर डिश है कि वो हमें पसंद आए, वो सभी खाना मैं बोली ना उसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। यानी कभी कभी आज मैं ये चीज़ बनाइए आज खा लो, वो चीज़ बनाइए, और हर चीज़ वो अच्छी तरह से बना लेती है, खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है वो। और आपके लिए कोई फेवरेट डिश? आपने फेवरेट डिश पूछा, हम सबको सी फूड बहुत पसंद है और ख़ास करके क्रैब्स बहुत पसंद है। और माँ की फेवरेट डिश होती है बच्चे के लिए देखा जाए तो उनकी क्या? उनके लिए क्रैब्स, जो क्रैब्स बनाती हूँ, और मीठी में उसको मैं जो गुड़ पोड़ी बनाती हूँ हम संक्रांति में बनाती हूँ, वो उसको बहुत पसंद है। बहुत वीकेंड है देखा जाए तो तीन से चार दिन बचा हुआ है, ये शिल्पा के लिए कोई है जो टक्कर दे रहा है उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उनके मुकाबले में? अभी हीना है, विकास है, वो सके तो पुनीज भी है, बस उसे हम नज़रअंदाजा नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज हूँ। सबसे स्ट्रांग अगर मैं बोलूँ तो विकास है, हिना, देन हिना एंड देन पुनिश। अच्छा इनमें से कोई अगर फेक फेस की बात करें तो कौन लग रहा है आपको? फेक फेस मतलब बनावटी। कोई एक का ना चारों नहीं, में से? नहीं ऐसा किसी का नाम नहीं बता सकती फेक फेस। क्यों किसी को बदनाम करने का बेकार? देखो फेक नहीं, परसेप्शन रहता है अपना, नज़रिया रहता है, तो फेक तो नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली हर एक जन अपने अपने हिसाब से खेल रहा है, तो मैं फेक तो नहीं बोलूँगा किसे। ओके फाइनल वीक है, दो दिन के बाद में बेटी घर आएगी, क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत दिन घर में नहीं थी, उसके साथ नहीं थे, अभी उनके साथ रहने के लिए मिलेंगा, इसकी फीलिंग तो बहुत है। कोई प्लान है कुछ है? अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ फिलहाल प्लान नहीं है, वो आएंगी जब भी प्लान बनाएंगी तो ठीक है, अभी हम कुछ प्लान बनाएंगे और वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं जमेगा, तुम चले जाओ तुम्हारे, क्योंकि उसका वैसा ही बर्ताव है, उसको पसंद होएगा तो ठीक है, इसलिए उनके हिसाब से ही प्लान करना मांगता है। प्लान डेफिनेटली जाने से पहले हमारी बात हुई थी, जैसे मुझे वाइल्ड लाइफ का शौक है तो हमारी अफ्रीका जाने की बात हुई थी, बट देन उसने जाने से पहले बोला था कि कुछ अफ्रीका का करना मत, यूएस जाएंगे, यूएस में मेरी बहन रहती है, और जब वो यहाँ पे आई थी बहुत कम टाइम के लिए आई थी, तो उस
के बच्चों को मिल नहीं पाई थी वो, तो शायद उसका ऐसा इच्छा है कि वो यूएस घूमने जाए अगर टाइम मिला तो। फाइनल वीकेंड है तो काफी वोटों की जरूरत है देखा जाए तो, फिर क्या आप करना चाहेंगे उनके फैंस से, उनके फैंस फॉलोअर से देखा जाए तो? हाँ, उनके फैन फॉलोअर से करूँगी कि आप तक उसको ईद पर पानी पी पानी पानी उसको इतना ही कहूंगी सब फैन लोगों को कि आज अब तक तुम लोगों ने शिल्पा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, अभी और थोड़ा ओट्स करके उनको ट्रॉफी दिला दो। सेम, बहुत प्यार किया अब तक, ऐसा ही प्यार करो, उसको बहुत सारे वोट्स दो और उसको ये ट्रॉफी जीते इसके लिए उसकी हेल्प करो और उसके बाद भी उसके साथ रहो। थैंक यू सो मच। शिल्पा को आपने इस लेवल तक लेकर आए, इतना प्यार दिखाया, तो वो प्यार और अभी बरकरार कीजिए और हमेशा के लिए रखिए। शिल्पा को बहुत 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 ज़्यादा वोट कीजिए और उसको उसको बिग बॉस 11 का विनर बनाइए और हमेशा प्यार करते रहिए। ऑल द बेस्ट शिल्पा। For more Bollywood. ये मेरे हिसाब से अभी तक के
आपने अभी बिग बॉस का जिक्र किया, हाल ही में बिग बॉस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, तो क्या कहना चाहिए, आप कितना फॉलो कर रहे हो बिग बॉस? मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं सच कहूंगा कि पहले मुझे हिना बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है, लेकिन होता है ना फिल्म खत्म होते होते किसी और से प्यार हो जाता है, उस तरह मुझे शिल्पा शिंदे से प्यार हो गया है। आई एम इन लव विद शिल्पा शिंदे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है, देखो एक हीरो और दो हीरोइन भी हो सकती है ना, उसी तरह हीरो एक है और दो हीरोइन है। मुझे शिल्पा शिंदे से प्यार हो गया है, वो मुझे लगता है उसके खिलाफ साजिश होने वाली है। मुझे लगता है जिस तरह मेरे साथ हुआ वैसा शिल्पा शिंदे के साथ होगा। जिस तरह से आप तुम जियो हजारों साल साल हो तुम जियो हजारों साल साल हो दिन के 50,000 जियो 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 क्या देखो दोनों काम कर लिए मैंने। No, God bless him. I want to go down to the farm, but my children are here. So I just sent him a message ki yaar main 2-4 din nahi aata, jab tu wapas aayega then we'll celebrate his birthday. His birthday can be celebrated for months. So we'll celebrate once. Special gift? Kis sab kuch tere ko hi bata dunga. Tum jiyo hazaron saal saal ho din ke 50,000 jiyo 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 kya dekho dono kaam kar liye maine. No, God bless him. I want to go down to the farm, but my children are here. So I just sent him a message ki yaar main 2-4 din nahi aata, jab tu wapas aayega then we'll celebrate his birthday.
ये मेरे हिसाब से अभी तक के सारे सीजन्स में से नॉट बिकॉज शिल्पा है बट मेरे लिए काफ़ी एंटरटेन ये मेरे हिसाब से अभी तक के सारे सीजन्स में से नॉट बिकॉज शिल्पा है बट मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग सीजन रहा है. अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सारे सीजन में से काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेड्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को. अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो अब मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीज़न अच्छा चल रहा है. आपको किस तरह से लगा सीज़न? ये सीज़न तो देख रहे हैं आप. हाँ, अच्छा लगा. मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा. मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा लगा. आपको बिग बॉस पर्सनली कितना अच्छा, किस तरह का सीज़न जा रहा है, किस तरह का सीज़न जा रहा है? पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा. उसको बहुत सारे शेड्स दिखाई करो बाकी सारे सीज़न में करो बाकी सारे सीज़न में से काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेड्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को. तुम जियो हजारों साल साल हो दिन के 50,000 जियो जियो जियो. क्या देखो दोनों काम कर लिए मैंने. नो गॉड ब्लेस हिम. आई वांट टू गो डाउन टू द फार्म बट माय चिल्ड्रन आर हियर सो आई जस्ट सेंट हिम अ मैसेज कि यार मैं 2-4 दिन नहीं आता, जब तू वापस आएगा देन वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे. हिज बर्थडे कैन बी सेलिब्रेटेड फॉर मंथ्स सो वी विल सेलिब्रेट मंथ्स. स्पेशल गिफ्ट किस, सब कुछ तेरे को ही बता दूंगा. तुम जियो हजारों साल साल हो दिन के 50,000 जियो जियो जियो. क्या देखो दोनों काम कर लिए मैंने. नो गॉड ब्लेस हिम. आई वांट टू गो डाउन टू द फार्म बट माय चिल्ड्रन आर हियर सो आई जस्ट सेंट हिम अ मैसेज कि यार मैं 2-4 दिन नहीं आता, जब तू वापस आएगा देन वी विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे. हिज बर्थडे कैन बी सेलिब्रेटेड फॉर मंथ्स सो वी विल सेलिब्रेट मंथ्स. स्पेशल गिफ्ट किस, सब कुछ तेरे को ही बता दूंगा.
तुम जियो हजारों साल साल हो दिन के 50,000 जियो 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 क्या देखो दोनों काम कर लिए मैंने No, God bless him. I want to go down to the farm, but my children are here. So I just sent him a message. Ki yaar, main 2-4 din nahi aata. Jab tu wapas aayega, then we'll celebrate his birthday. His birthday can be celebrated for months. So we'll celebrate once he's back. Unke liye special gift? Kis sab kuch tere ko hi bata dunga. अर्शी जी बताइए आज क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? देखिए 2 बजे मैं स्टूडियो में आई हूँ और 3:30 और 3:45 के बीच में मैं अपना मेकअप करवा रही थी अपने मेकअप मैन से और उसी वक्त मतलब मैं अपने मेकअप में इन्वॉल्व थी, मैंने इधर उधर नहीं देखा था और ऑलरेडी स्टूडियो का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो जैसे ही मैं अपना मेकअप करवा रही थी और किसी बंदे ने
Press the bell icon only on YouTube and never miss any update from Bollywood Pitara. Bollywood Pitara, treasure chest of Hindi cinema. टास्क में विकना घर कास की प्रजा कुछ ऐसा टास्क देना उसको एक सदस्य सदस्यों से कैसे प्राइज मनी से ही हुक्म देता है कि वो कास सबसे पहले के बाद करते और टास्क शुरू होने के प्राइज मनी से ही करते और टास्क शुरू होने के बाद और टास्क शुरू होने के बाद तो विकास को मिलते 9 लाख रुपए और ये पैसे प्राइज आज बिग बॉस के एपिसोड में चारों सदस्यों को मिला एक टास्क, क्योंकि कल वाले टास्क में विकास जीता था, इसलिए विकास को मौका मिला अपने लिए प्राइज मनी का हिस्सा पाने का, जिसमें विकास बना घर का राजा और बाकी के सदस्य बने विकास की प्रजा, जिसमें विकास को पैसे जीतने के लिए हर एक सदस्य को कुछ ऐसा टास्क देना था जिसको सुनने के बाद वो सदस्य मना कर दे और बजट दबा दे। अगर कोई भी एक सदस्य बजट दबा देता है तो विकास को मिलेंगे 3 लाख रुपए। ऐसे था, झगड़े थे, प्यार था, लव मोहब्बत, पूरा दुनिया ही बिग बॉस था। बिग बॉस ऑसम, बिग बॉस इज अ ग्रेट शो। सलमान भाई इज अ नंबर वन होस्ट, इज द बेस्ट गाय। सलमान भाई इज द मैन। लोगों ने आपको किताब दिया मोस्ट एंटरटेनमेंट का, तो कैसा लगता है आपको? मैं क्या करूं, मैंने इतने सारे दिखाए, फ्लिप, लड़ाकू, ये झगड़ा, पागल प्रेमी, आई डिड इट ऑल, मैंने सब कुछ किया, आई डिड माई बेस्ट।
आकाश भाई आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे कभी कभार, क्या वो एक स्ट्रेटजी थी या फिर इट्स रियल ऑफ यू? एक ये स्ट्रेटजी थी, ये सब टीवी के लिए हमने किया है। देखो आप कुछ भी इतना इमोशन होता था ना, हम लोग को टीवी नहीं है ना रेडियो है, तो इतना भी इमोशन हम इतना बड़ा बना देते थे। सो हम लोग इंजॉय करें का हिस्सा था कि कल वाले टास्क में विकास जीता था। हिस्सा का कि कल वाले टास्क कि कल वाले टास्क में विकास जीता था, इसलिए विकास को मौका मिला अपने लिए और बाकी सारे सीजन में से काफी एंटरटेनिंग, काफी आपको फॉलो करना है। सॉरी अगर नहीं, बकवास मत करो आप। सॉरी नो मोर वर्ड। अगर आपने एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाला अब से, जब तक मैं आपको नहीं बोलता हूं तो आप बजर दबाएंगी, नहीं तो फिर मैं आपको बजर दबा दूंगा, वो बिग बॉस फिर अपना फाइनल करेंगे कि आपने ऑर्डर माना नहीं है। मेरा बजर तो बजने से रहा। ऑरेंज वाली साड़ी, लेकिन क्यों साड़ी क्यों पहनी? डिक्टेटर देखना चाहते हैं। अरे बाप, बाल तो देखो। अरे हाय, अभी छोड़ दूं साड़ी और कुछ साफ करवाइए। हाँ, एक काम कीजिए ना, रबड़ी लेकर आइए, आप अपने हाथ से खिलाएंगे, इतने प्यार से आपने सबको प्यार दिया है। एक तुझा नाना चीटंग मनाएंगी आप। हाँ।
जब बात हो किसी को जानने की पहचानने की तो एक माँ से ज़्यादा कोई भी अपने बच्चे को नहीं जानता, और जब बात हो बिग बॉस सीजन 11 की तो जो फाइनल कंटेस्टेंट है वो है शिल्पा, पुनीश, विकास और हिना। और आज हमारे साथ है शिल्पा की माता जी। नमस्ते, आपका सास बहुर बेटिया में स्वागत है। हेलो। अच्छा शिल्पा की हम बात करें, सो अब वो फाइनल में पहुँच गई है, क्या कहेंगे आप? वो फाइनल में गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि ये 3 महीने अच्छी तरह से बिता के वो फाइनल में पहुंची है। सो शिल्पा ने जिस तरह से अपने आप को घर में दिखाया है उसके लिए आपका क्या कहना है? हाँ वही बेहतर है ना, वो हमेशा घर में भी ऐसे ही रहती है, ऐसा कोई उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका घर में भी रहना ऐसा ही है, कुछ काम में लगा रहना, घर में होती है तो कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ खाना पकाना ये करना वो तो उसका काम ही रहता है, और उधर वो घर जैसे ही रह रही है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन हम दूसरे घर वालों की बात करें तो हर कोई शिल्पा को खाना बनाने पे ताने देता है, तब ताने देता है, वो हर लोगों की सोच रहती है कि उनको नहीं अच्छा लगता होगा शिल्पा करती है तो खुद जाके करना चाहिए ना, ताने देने से अच्छा खुद करना अच्छा, ये रही तो खुद क्यों नहीं करते थे ये लगता था, मतलब हम सोचते थे ताने देने से अच्छा खुद जाके करो, उसको बाजू करो, हम करेंगे खाना, ऐसे तो उसने नहीं कहा था कि मैं ही करूँगी, तो ये सब करना मांगता था ना, खाली ताने देने से क्या होता है। अच्छा आप शुरू से बिग बॉस देख रही हैं ये वाला सीज़न, सो मैं जानना चाहती हूँ हिना के लिए आपकी क्या राय है? अभी हिना के लिए क्या है, हर किसी का एक एक का स्वभाव होता है, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार चल रही है, किसी को फट से बोलना ये करना वो उसका स्वभाव है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा विकास के लिए आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं, क्योंकि मालूमत ही नहीं उसकी, सिर्फ पहले जो कुछ शिल्पा का ये चल रहा था, जब भी वो कभी कभी विकास का नाम लेके बोलती थी, वो ऐसा किया उसने ऐसा किया उसने, तभी वो सेट पे जाके देखा तो लगा कि यही है ये व्यक्ति जो शिल्पा जिसके बारे में बोल रही है, और वहाँ उसके साथ झगड़ रही थी, मतलब उसका जो करना था वो उसके लिए ठीक था, जो उसने बाहर जो बर्दाश्त किया था वो उसने अपनी बड़ा संदर निकाल दी भाई। हाँ और अच्छा पुनीश की हम बात करें, सो पुनीश और शिल्पा की मतलब जोड़ी काफ़ी अच्छी है, दोनों एक दूसरे का साथ भी देते हैं, सो पुनीश के लिए आप क्या कहेंगे? क्या अच्छा है बर्ताव, लेकिन वो शिल्पा को समझ लेता है, यही समझ में अच्छा है कि जो
करो बाकी सारे सीजन में से, काफी एंटरटेनिंग, काफी बहुत सारे शेयर्स दिखाई दिए इस सीजन में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीजन को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो आप मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीजन अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीजन, ये सीजन तो देख रहे हैं आप, देखा? हाँ अच्छा लगा, मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा। करो बाकी सारे सीजन में से, काफी एंटरटेनिंग, काफी बहुत सारे शेयर्स दिखाई दिए इस सीजन में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीजन को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो आप मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीजन अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीजन, ये सीजन तो देख रहे हैं आप, देखा? हाँ अच्छा लगा, मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको बिग बॉस पर्सनली कितना अच्छा लगता है, देखा जाए तो कितना देखते थे इसके पहले? करो बाकी सारे सीजन में से, काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेयर्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो आप मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीज़न अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीज़न, ये सीज़न तो देख रहे हैं आप, देखा? करो बाकी सारे सीजन में से, काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेयर्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो आप मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीज़न अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीज़न, ये सीज़न तो देख रहे हैं आप, देखा? हाँ अच्छा लगा, मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। आपको बिग बॉस पर्सनली कितना अच्छा लगता है, देखा जाए तो कितना देखते थे इसके पहले और अभी? काफ़ी मैंने ऑलमोस्ट
जर्नी बहुत अच्छा था, वो जर्नी बहुत अच्छा था, इट वॉज फन, ऐसे था, झगड़े थे, प्यार था, लव, मोहब्बत, पूरा दुनिया ही बिग बॉस था. बिग बॉस ऑसम, बिग बॉस इज अ ग्रेट शो. सलमान सलमान भाई इज अ नंबर वन होस्ट, इज द बेस्ट गाय. सलमान जर्नी बहुत अच्छा था, इट वॉज फन, ऐसे था, झगड़े थे, प्यार था, लव, मोहब्बत, पूरा दुनिया ही बिग बॉस था. बिग बॉस ऑसम.
सच बताओ मैं फेक हूँ, ये फेक, सब फेकते, सब 19 के 19 लोग फेकते, सबको फेक करना पड़ा क्योंकि पक गए थे, सबको गेम्स खेलने पड़े, सब के सब फेंकते, मैं भी अंकल था, वो भी आंटियाँ थी, वो भी अंकल थे, वो भी आंटी थी, हम सब ऐसे ही थे। और बाकी सारे सीजन में से काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेड्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी से देखा ही नहीं है बिग बॉस। उनका फेवरेट डिश क्या है जो आप लोग को पसंद है, देखा जाए तो जो आपको पर्सनली पसंद आप लोग दोनों को, एक डिश जो आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई सी डिश नहीं कि वो पर्टिकुलर डिश है कि वो हमें पसंद आए। वो सभी खाना, मैं बोली ना, उसको एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है।
यानी कभी कभी आज मैं ये चीज़ बनाई है, आज खा लो, वो चीज़ बनाई है, और हर चीज़ वो अच्छी तरह से बना लेती है, खाना बनाना बहुत अच्छा जानती है वो। और आपके लिए कोई फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, आपने फेवरेट डिश पूछा, हम सबको सी फूड बहुत पसंद है और ख़ास करके क्रैब्स बहुत पसंद है। और माँ की फेवरेट डिश होती है बच्चे के लिए, देखा जाए तो उनकी क्या? उनके लिए क्रैब्स, मैं जो क्रैब्स बनाती हूँ, और मिठाई मीठी में उसको मैं जो गुड़ पोड़ी बनाती हूँ, हम संक्रांति में बनाते हैं, वो उसको बहुत पसंद है। बहुत वीकेंड है, तो 3 से 4 दिन बचा हुआ। हाँ, शिल्पा के लिए कोई है जो टक्कर दे रहा है उन्हें, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उनके मुकाबले में? अभी हीना है, विकास है, हो सके तो पुनीश भी है, बस उसे हम नज़रअंदाजा नहीं कर सकते, वो कंफ्यूज हूँ। जो एक जो स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं बोलूँ तो विकास है, हिना, देन हिना एंड देन पुनिश। अच्छा, इनमें से कोई अगर फेक फेस की बात करें तो कौन लग रहा है आपको? फेक फेस मतलब बनावटी। कोई एक का ना, चारों नहीं नहीं, ऐसा किसी का नाम नहीं बता सकती फेक फेस। क्यों किसी को बदनाम करने का बेकार? देखो फेक नहीं, परसेप्शन रहता है अपना, नज़रिया रहता है, तो फेक तो नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली हर एक जन अपने अपने हिसाब से खेल रहा है, तो मैं फेक तो नहीं बोलूँगा किसे। ओके, फाइनल वीक है, 2 दिन के बाद में बेटी घर आएगी, क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत दिन घर में नहीं थी, उसके साथ नहीं थे, अभी उनके साथ रहने के लिए मिलेंगे, इसकी फीलिंग तो बहुत है। कोई प्लान है कुछ है जो अभी? कुछ नहीं, अभी तो कुछ फिलहाल प्लान नहीं है, वो आएंगी जब भी प्लान बनाएंगी तो ठीक है, अभी हम कुछ प्लान बनाएंगे और वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को नहीं जमेगा, तुम चले जाओ तुम्हारे, क्योंकि उसका वैसा चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन उसने अपनी मन की आवाज़ सुनी और देन शी वेंट फॉर इट, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। बिग बॉस में तो देखा जाए तो फिर सभी ने शिल्पा को जान लिया, आपके हिसाब से शिल्पा किस तरह की है? वो इस तरह की मतलब एक माँ के लिए बेटी किस तरह की? हाँ मतलब वो बहुत अच्छा निभा रही है उधर का रोल, सब कर रही है, सबके साथ मिलजुल के रही है, और उसके साथ कोई रहे ना रहे लेकिन वो सबके साथ मिलजुल के रही है, खाना बनाना वगैरह ये तो उसका रोज का घर का भी काम है, यानी कोई अलग कर रही है, वो कुछ शो में अलग करती है ये नहीं दिख रहा है, जैसे घर में रहती थी वैसे ही वो रह रही है। जी डेफिनेटली मैं सेकंड करूंगा इस बात को कि शिल्पा जिस तरह से घर पे हमें दिखती है उसी तरह से रही है, सारे घर के काम करना, घर का काम ये एक ही पैरामीटर नहीं होता डेफिनेटली, बट उसका एक वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि उसने अपने घर को, इवन बिग बॉस के घर को भी अपने घर की तरह संभाला है, और वही शेड्स हमें उसको, हमें उसकी उस घर में दिखी है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने। भाई बहन में काफ़ी नोकझोंक होती रहती है देखा जाए तो, आप लोग के बीच में कितना होता था इन बचपन में ज़्यादा होती है नोकझोंक कर सकते हैं हमसे? नोकझोंक बहुत होती थी वैसे, सिंस हम लोग के बीच में एज गैप कम है, इसके लिए अकेडमिकली भी हम लोग काफ़ी अरसे तक स्कूल में भी साथ में हमारा स्कूलिंग रहा है, तो बहुत शरारती थे दोनों, मेरे से ज़्यादा शिल्पा ज़्यादा शरारती थी स्कूल में, और हम बहुत मस्ती करते थे घर पे, इवन स्कूल से जब घर पे भी लौटते थे तो बहुत कभी एक टाइम से घर पे नहीं लौटे, हमेशा रास्ते में कुछ ना कुछ टाइम पास करते आना, और जैसे कि रास्ते पे वो नॉर्मली वो खेल चलते हैं तो वो देखते आना, और हमेशा लेट करते थे, माँ से हमेशा डांट खाते थे, तो मस्ती बहुत करी है, बड़े होकर भी आज भी हम लोग अगर बाहर कभी जाते हैं तो बहुत टाइम पास करते हैं, काम के वजह से आज ये टाइम इतना जाना होता नहीं है, बट बहुत इंजॉय करते हैं। कभी डांट पड़ी है? बड़ी बहन है देखा जाए तो फिर डांट तो बहुत पड़ी है, बड़ी बहन है तो डांटेंगे ज़रूर, जितना पैम्पर करती है उतना वो स्ट्रिक्ट भी रहती है, और सही बर्ताव है, उसको पसंद होगा तो ठीक है, इसलिए उनके हिसाब से ही प्लान करना मांगता है। प्लान डेफिनेटली जाने से पहले हमारी बात हुई थी, जैसे मुझे वाइल्ड लाइफ का शौक है तो हमारी अफ्रीका जाने की बात हुई थी, बट देन उसने जाने से पहले बोला था कि कुछ अफ्रीका का करना मत, यूएस जाएंगे, यूएस में मेरी बहन रहती है, और जब वो यहाँ पे आई थी बहुत कम टाइम के लिए आई थी, तो उस
के बच्चों को मिल नहीं पाई थी वो, तो शायद उसका ऐसा इच्छा है कि वो यूएस घूमने जाए अगर टाइम मिला तो। फाइनल वीकेंड है तो काफी वोटों की जरूरत है देखा जाए तो, फिर क्या आप करना चाहेंगे उनके फैंस फॉलोअर्स से देखा जाए तो? हाँ, उनके फैन फॉलोअर्स से करूंगी कि आप तक उसको एक बार उसको इतना ही कहूंगी सब फैन लोगों को कि आज अब तक तुम लोगों ने शिल्पा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है, अभी और थोड़ा ओट्स करके उनको ट्रॉफी दिला दो। सेम, बहुत प्यार किया अब तक, ऐसा ही प्यार करो, उसको बहुत सारे वोट्स दो और उसको ये ट्रॉफी जीते इसके लिए उसकी हेल्प करो और उसके बाद भी उसके साथ रहो। थैंक यू सो मच। शिल्पा को आपने इस लेवल तक लेकर आया, इतना प्यार दिखाया, तो वो प्यार और अभी बरकरार कीजिए और हमेशा के लिए रखिए। शिल्पा को बहुत 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 ज़्यादा वोट कीजिए और उसको उसको बिग बॉस 11 का विनर बनाइए और हमेशा प्यार करते रहिए। ऑल द बेस्ट शिल्पा। For more Bollywood ये मेरे हिसाब से अभी तक के सारे सीजन्स में से नॉट बिकॉज शिल्पा है बट मेरे लिए काफ़ी एंटरटेनिंग सीजन रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी सारे सीजन में से, काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी बहुत सारे शेड्स दिखाई दिए इस सीज़न में, तो बहुत एंजॉय किया इस सीज़न को। अभी मैं बोलूँ आपको, मैंने कभी देखा ही नहीं है बिग बॉस तो आप मैं बोल नहीं सकती, लेकिन सब बोल रहे हैं इसकी वजह से ये बहुत सीज़न अच्छा चल रहा है। आपको किस तरह से लगा सीजन? ये सीजन तो देख रहे हैं आप। हाँ, अच्छा लगा, मतलब पहले एक बार मैंने सब पहले देखा था तो उसके हिसाब से ये सीज़न बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी बेटी है इसलिए नहीं, लेकिन सबके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको बिग बॉस पर्सनली कितना अच्छा लगता देखा जाए तो, कितना देखते थे इसके पहले और अभी? काफ़ी, मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के दो सीज़न छोड़ के काफ़ी सीज़न मैंने पूरी बहुत रिगरसली फॉलो किया है। बहुत अच्छा लगता था एक शो देखना, एक रियलिटी साइड, जो हम रियलिटी शो देखते हैं कि जो अपने अपने आर्टिस्ट रहते हैं, फैंस रहते हैं, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट है, उनकी रियल साइड देखना तो बहुत अच्छा लगता है और उनको इतना करीब से देखने को मिलता है, इतने लंबे अरसे तक उनके साथ एज इफ हम लोग उनके साथ रह रहे हैं, तो एक अलग बात है उस शो की, तो बहुत मज़ा आता है शो देखने। जब बिग बॉस से कॉल आया शिल्पा को देखा, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था, आप लोग के रिएक्शन क्या थे और उनके क्या रिएक्शन थे? उनके मतलब उसने बोला, उन्होंने कि ऐसा ऐसा बिग बॉस से मेरे को फ़ोन आया है, तो मैं बोली देख अभी क्या करना है, हमें तो शो के बारे में कुछ मालूम नहीं, मतलब कभी देखा है लेकिन वो उसको क्या है क्या नहीं वो तेरे को ज़्यादा मालूम है, तू सोच समझ के जो करना है वो तू सोच समझ के कर ले, इतना ही हमने कहा था। फिर बाकी उसको दो तीन बार फ़ोन आए, पहले उसने ना बोला, फिर उसने हाँ कर दिया। जी, शिल्पा ने जब बताया था तो काफ़ी थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि उसको शायद ऑफ़र आएगा और उसने जब जैसे बताया मुझे कि मुझे ऑफ़र आया हुआ है और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी, वो सोच रही थी कि क्या करूँ, थोड़ी टू माइंड्स में थी कि करना। कई ऐसे मौके हैं जब भी उसने कसर नहीं छोड़ी मुझे डांटने की, बट मेरे बेनिफिट के लिए ही डांटा है तो बहुत अच्छा लगता। जैसे कि उन्होंने बोला कि काफ़ी शरारती थे दोनों, मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब मैं उनको जब स्कूल में लेने के लिए जाती थी वो आते थे सिर्फ रास्ता क्रॉस करने के लिए, मैं हाईवे पर जाती थी
लेकिन मेरे को इतना वेट करना पड़ता था, हक्की स्कूल के लड़के चले जाते थे फिर ये दोनों कहीं दिखाई नहीं देते थे, सबके बाद में देखो तो ये दोनों अपने हंसते डुलते आते हैं, शिल्पा और ये, और पूछे उनको क्या कर रहे थे, नहीं वो देवी बैठी है ना मंदिर में देखने गए थे, आज क्या उधर खेल देख रहे थे, मतलब बहुत शरारती थे, घर में आके भी वैसा ही करते थे। शिल्पा ने तो कभी पढ़ाई की नहीं घर में, कभी कभी किताब खोल के नहीं देखा, आखे साल की वो पढ़ाई एग्जाम के दो दिन पहले करती थी। नहीं काफ़ी मैं बोला ना काफ़ी एक एक वो एक एज गैप जो कम है उसके वजह से काफ़ी हद तक हम लोग ने एकेडमिकली साथ में रहे तो बहुत एंजॉय किया हमारा स्कूल लाइफ और बचपन टीनेजर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने एंजॉय किया। इंडिया में देखा जाए तो लड़कियों को नीचा देखा जाता है, कहाँ इंडिया, हाँ इंडिया में देखा जाए तो आपको क्या फील होता है जब आपको बोला जाता है कि आप शिल्पा की मॉम है, आप शिल्पा के ब्रदर है, क्या फीलिंग्स क्या आती है? नहीं मेरे को, मैं बेटियों को कभी नीचे नहीं दिखाया, हमारे घर में शिल्पा पर ज़्यादा प्यार भी उसके पापा करते थे, मेरे को तीन लड़की है लेकिन मैंने कभी बेटियों को नीचे नहीं देखा और बच्चे को ऊपर नहीं, दोनों को सरीका के। क्या बोलना चाहेंगे आप जो करते, मैं तो सब लोगों को यही बोलना चाहूँगी, बेटी को कभी कम मत देखना, कभी को वो बेटे से भी ऊंचा रहती है, तो इसीलिए कोई बेटा और बेटी इसमें फ़र्क मत करना, कभी नहीं करना। बेटा बेटी जैसा कंसेप्ट ही नहीं रहा, आई गेस सिर्फ एक जेंडर डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, सब इक्वल है, तो वही सब लोग अगर उस चीज़ को समझ के चले तो आई गेस बहुत अच्छी तरक्की होगी। बिग बॉस में देखा जाए तो फिर शिल्पा के खाने की काफ़ी चर्चा हुई है।